मौसम आ चुका है एंड गर्मियों के मौसम में गर्मी लगने के बाद जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है सन टैन। एंड सब लोग जानते हैं कि एक बार अगर हमें टैनिंग हो जाए तो हमारे नॉर्मल स्किन टोन को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। सो गाइस, आई एम नितिन गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द क्लासिक अफेयर। भाई, जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सनस्क्रीन, जो कि ना सिर्फ हमें टैनिंग से बचाएंगी बल्कि सन की जो हार्मफुल यूवी रेज होती है उससे भी प्रोटेक्ट करेंगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ 8 से 10 सनस्क्रीन के जो ब्रांड्स है वो डिस्कस करने वाला हूं एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा जो सनस्क्रीन आप किस ओकेजन पे यूज कर सकते हो, कौन से स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, सब कुछ जो डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू स्टे कनेक्टेड विद अस टिल द एंड। अब सनस्क्रीन लेते टाइम हम लोगों ने 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला तो हो गया हमारा पैराबेन फ्री होनी चाहिए। नंबर 2, इट शुड बी नॉन कोमेडोजेनिक, यानी आपके स्किन के ऊपर जो पोर्स है वो उनको ब्लॉक ना करे। एंड नंबर 3 है SPF। अब SPF का मतलब क्या है? SPF मींस सन प्रोटेक्शन फैक्टर। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा SPF 30, SPF 50। अब यहाँ पे SPF का मतलब क्या है? SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर एंड साथ में जो नंबर है ना 30 या 50 वो बेसिकली बताता है कि आपकी सनस्क्रीन की इंटेंसिटी कितनी है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने की। 30 या 50 यानी जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उतनी ज्यादा आपकी सनस्क्रीन जो है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। द फर्स्ट वन ऑन माय लिस्ट इज दिस मिनिमलिस्ट की SPF 50 सनस्क्रीन। एंड गाइस, इसके अंदर है नियासिनामाइड, विटामिन B5 एंड विटामिन F। बेसिकली स्किन क्या है, आपकी स्किन के ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है बिकॉज ऑफ सन तो उसको प्रोटेक्ट करेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी स्किन को हमेशा हाइड्रेटेड रखती है यह सनस्क्रीन। एंड उसके अलावा जब मैं इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूँ तो एप्लीकेशन के केस में क्या रहेगा इसके अंदर कि सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म है इसका, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम जो मेरे को इसके साथ में ये लगा कि इसमें ना व्हाइट कलर का एक रेजिड्यू आपकी स्किन के ऊपर रह जाता है तो आपको वो चीज़ जरूर नजर आएगी। एंड जो बेसिक्स के बारे में हमने बात करी थी सनस्क्रीन के, इसके अंदर कोई भी पैराबेंस नहीं है, कोई भी सल्फेट्स नहीं है एंड इट इज फ्रेग्रेंस फ्री एज वेल। The next one on my list is this Lakme Sun Expert, and ये भी एक SPF 50 sunscreen है। And guys, this is a lightweight sunscreen, इसके ऊपर लिखा हुआ very clearly and it is non-sticky as well and quickly आपकी skin पे absorb भी हो जाएगी। Reason being that this is a gel sunscreen, जब आप इसको apply करेंगे अपने हाथ के ऊपर and उसके बाद आप उसको spread करते हो तो आपको बहुत अच्छे से नजर आता है कि बहुत ही easily absorb हो जा रही है आपकी skin के अंदर and इस केस में कोई भी cast नहीं रह रहा है, कोई भी residue नहीं रह रहा है। फिर आते हैं नंबर 3 पर, which is going to be this Recoil SPF 30 sunscreen। And guys, ये है Ultra Matte Dry Touch Sunscreen Gel। एंड ये जेल जरूर लिखा हुआ है इसके ऊपर लेकिन ये जेल फॉर्म में मेरे को नहीं लगा, एक्चुअली फील नहीं हुआ कि जेल फॉर्म में है बिकॉज थोड़ा सा थिक है सनस्क्रीन। एंड इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे इट इज वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट एंड परफेक्ट अंडर मेकअप विद IR प्रोटेक्शन एंड दिस इज नॉन कॉमेडोजेनिक एज वेल। नॉन कॉमेडोजेनिक मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पोर्स को सनस्क्रीन ब्लॉक नहीं करेगी। एंड एप्लीकेशन की बात करें तो लगाने पे जो फर्स्ट इंप्रेशन इसका ऐसे आता है कि थोड़ी सी थिक है लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हो ना स्किन पे तो बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाती है। इसके बाद आते हैं वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स में, व्हिच इज बायोटेक। एंड गाइस, दिस इज एन आयुर्वेदिक ब्रांड, बेसिकली इट इज एन आयुर्वेदिक रेसिपी। इसके अंदर है 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स एंड सनस्क्रीन का जो नाम है वो है सनशील्ड सैंडलवुड SPF 50 सनस्क्रीन है ये। एंड गाइस, इस पर क्लियरली लिखा है दैट इज एन अल्ट्रा प्रोटेक्टिव लोशन, यानी लोशन के फॉर्म में है लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो आपको थोड़ी सी थिकनेस जरूर देखने को मिलती है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको अपनी यूजुअल क्वांटिटी से थोड़ा सा कम अप्लाई करना, रीजन बीइंग कि थोड़ी सी क्वांटिटी भी इसकी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। एंड अगर आप अपनी यूजुअल क्वांटिटी लगा रहे हो तो आप उसको अप्लाई करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी आपको अपने फेस के ऊपर या फिर आप जहां भी अप्लाई कर रहे हो वो एक्सेसिव ही लगेगी। एंड दिस वन इज ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स एंड ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट वाली पर, विच इज फ्रॉम द ब्रांड ऑर्गेनिक हार्वेस्ट। एंड गाइस, दिस इज एन SPF 60 सनस्क्रीन। अभी तक हम लोग SPF 50 के बारे में बात कर रहे हैं बट SPF 60 है। अब हम सब लोगों को यार बीचेस बनाने का शौक बहुत ज्यादा है एंड वहां पर जो हमको पता है टैनिंग होती है सबसे ज्यादा, यानी वहां पे हमें चाहिए ज्यादा प्रोटेक्शन, तो इसलिए हम लोगों ने SPF 50 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ के SPF 60 को हमने ऑप्ट करा है। एंड दिस वन जो मेरे हाथ में इस समय है, दिस वन इज गोइंग टू बी सूटेबल फॉर ऑयली स्किन। ये सनस्क्रीन आपको मैट फिनिश में मिलेगी एंड दिस इज वाटर रेजिस्टेंट एज वेल। एंड इसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी है विच इज द ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी। बेसिकली जो हमारे टीवी स्क्रीन होते हैं, हमारे फोन स्क्रीन होते हैं, उनसे भी हमारे कुछ यूवी रेज में एमिट होती हैं तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन देगी। बात करें एप्लीकेशन के बारे में तो गाइस आपको इसी काफी कम क्वांटिटी को अप्लाई करना है, रीजन बीइंग जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको एक व्हाइट कास्ट या फिर एक व्हाइट रेजिड्यू जरूर नजर आएगा ताकि आपको ज्यादा रेजिड्यू ना रहे आपकी बॉडी के ऊपर, तो मेक श्योर करना कि आप इसी कम क्वांटिटी ही अप्लाई करो। इसके बाद आते हैं वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ब्रांड्स पे, व्हिच इज मामा अर्थ। एंड गाइस, हम सब जानते हैं कि जो मामा अर्थ है उनके प्रोडक्ट्स पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, लेकिन जो इसकी खास बात है वो ये है दैट इसका नाम है अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन, यानी इट इज स्पेशली मेड फॉर द इंडियन स्किन एंड इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द UVA एंड B रेज एंड इंडियन स्किन, जैसे मैंने बताया आपको, एंड इट इज सूटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स। एंड बात करूं अगर मैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में तो जो आप अप्लाई करोगे तो आपको हो सकता है व्हाइट रेजिड्यू देखने को जरूर मिले अपनी स्किन पे, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आपकी स्किन पहले तो मॉइस्चराइज हो, बिल्कुल ड्राई स्किन पे अप्लाई मत करना एंड थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी आपने अप्लाई नहीं करनी, यूजुअल से थोड़ी सी कम क्वांटिटी अप्लाई करना ताकि आपकी स्किन के ऊपर आपको कोई व्हाइट रेजिड्यू या फिर कोई व्हाइट कास्ट जो है वो नजर नहीं आए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच इज दिस लास्ट शील्ड सनस्क्रीन। एंड गाइस, ये भी एक SPF 50 सनस्क्रीन है जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द UVA एंड द B रेज एंड दिस इज UV एंड पोल्यूशन डिफेंडेंट और उसके अलावा लाइटवेट है, ऑयल फ्री है एंड इसके अंदर एक
मॉइस्चर बूस्ट फॉर्मूला है। अब ये चीज मैंने कैसे नोट करी, जब मैंने सनस्क्रीन को अप्लाई करा सबसे पहले तो मेरे को कोई भी व्हाइट एजली देखने को नहीं मिला, एंड सेकेंडली जेल फॉर्म में है, जब मैंने इसको अप्लाई करा स्किन के ऊपर बहुत ही इजीली मेरे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई एंड वो जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है वो क्लियरली नजर आ रहा था। नेक्स्ट एंड जो फाइनल वाली हमारी लिस्ट पे है वो है लोटस की सेफ सन SPF 20 सनस्क्रीन, सबसे पहली सनस्क्रीन जो कि हमारी SPF 50 से नीचे है। एंड यार SPF 20 यानी 50 से नीचे वाली सनस्क्रीन जो होती है जनरली रिकमेंड क्यों करी जाती है, अगर आप मेकअप अप्लाई कर रहे हो जिसके अंदर भी SPF प्रोटेक्शन फैक्टर है देन आप इस तरीके के सनस्क्रीन को अप्लाई करो जिसके अंदर SPF 30 या उससे नीचे है। मिनिमम SPF रिकमेंड करूंगा उस केस में SPF 15 से लेकर SPF 30 के बीच में, जो मोस्ट आइडियल मेरे हिसाब से रहेगी वो रहेगी या तो SPF 20 या फिर SPF 30। एंड ये है एक क्रीम बेस्ड फॉर्म के अंदर सनस्क्रीन, अप्लाई करते टाइम बहुत ही इजीली अप्लाई हो जा रही है। एंड इसमें भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना ज्यादा क्वांटिटी अप्लाई मत करना, थोड़ी कम ही अप्लाई करना, बिकॉज हल्का सा व्हाइट रेसिड्यू मेरे को इसके अंदर भी नजर आया। इसके अलावा एक सनस्क्रीन और है जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूं, व्हिच इज द न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शील्ड SPF 50 सनस्क्रीन व्हिच इज अल्ट्रा लाइट एंड मैट फिनिश के अंदर आती है सनस्क्रीन। अभी मेरे पास में टाइमली डिलीवर नहीं हो पाई लेकिन मैं इसको पहले यूज कर चुका हूं एंड आई कैन रिकमेंड दैट वन टू यू गाइस एज वेल। सो गाइस दिस वाज इट फ्रॉम टुडेस वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के सामने 8 सनस्क्रीन जो है आपके सामने टेस्ट करके आप लोगों का रिव्यू दिया, फीडबैक दिया। आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को सनस्क्रीन आपको कौन सी चूज करनी है अपने लिए आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। एंड इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू हमें जरूर देना। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब कुछ भी हो तो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, माय हैंडल इज द क्लासिक अफेयर। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल।